जी मैं जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका मेन मुद्दा ये है कि पिछले दिनों ही आपने एक हफ्ता पहले देखा होगा कि जम्मू में तहसीलदार साहब को सस्पेंड किया गया है, और उसी के चलते जब बहुत सारा वो मैंने पहली बार देखा कि कोई ऐसा फंक्शनरी जो गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहा हो तो उसको सस्पेंड करने के बाद पब्लिक में, स्पेशली सोशल मीडिया में हो या किसी भी तरीके से, डिफरेंट तरीके से लोगों ने उनके हक में आवाज उठाई है। तो मैं उनको पर्सनली भी जानता हूं, तहसीलदार साहब को, वो पुंछ से आते हैं और एक बड़े ही मेहनती तहसीलदार साहब थे और बड़े ही लगन से काम करते थे। जहां तक मैंने उनको जाना है, क्योंकि उन्होंने मेरी कंसिस्टेंसी में भी काम किया है, मेंडर में भी, तो मैं हालांकि उनके पर्सनली कभी नहीं मिला, और लेकिन उनका काम करने का अंदाज जो था वो बहुत जबरदस्त था। लेकिन जिस तरीके से उनको सस्पेंड किया गया है, वो सरकार को, सरकार की जो नाकामियों को छुपाने के लिए, मैं कहूंगा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उनको जो है बलि का बकरा बनाया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर नायब तहसीलदार, जो तहसीलदार साहब थे शहर खास के जम्मू में रविशंकर जी, उनको अगर सस्पेंड किया गया है, तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मनोज सिन्हा साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है कैटेगरीज बना के क्यों करते हैं? क्योंकि अगर तहसीलदार साहब को, उन्होंने पिछले ही रिसेंटली, मैंने एक यहां पर न्यूज़पेपर की कटिंग भी बताऊंगा जिसमें तहसीलदार साहब को COVID-19 में काम करने के लिए कोविड वॉरियर पे बेस्ट जो है एज बेस्ट वॉरियर का सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया और बहुत बड़ी एप्रिसिएशन हुई। लेकिन उसके बावजूद मैं ये पूछता हूं कि क्या जो इन्होंने सस्पेंशन की है उसमें क्या इन्होंने ये लिखा था कि नॉन परफॉर्मेंस बेसिस पे, कि अगर कोई इन्होंने इतना कैटेगरीज रखी थी कि इन्होंने मंथ में या वीक में या 10 दिन में इतने सर्टिफिकेट्स बनाने थे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, तो वो नहीं बना पाए। अगर ऐसा नहीं है, सबसे पहले तरीका ये होता है कि आप शो कॉज नोटिस इश्यू करो, आप उसको समझाओ, उसको बजाओ, या उसको, उसके साथ और तरीके अपनाए। आपने एकदम से सस्पेंड कर दिया तो हम ये इमीडिएट पहले ये मांग करते हैं कि उनको बहाल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजौरी पुंछ की आवाम और जितने भी लोग हैं वो उनके हक में आवाज बुलंद करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आवाज बुलंद करेंगे। दूसरा मैं यही कहना चाहता हूं, अगर वाकई ही सरकार जो दोहरा म्यार क्यों अपना रही है सरकार, देखिए रिसेंटली आपने ये देखा, मैं जो ये आपको दिखा रहा हूं ये स्टेट टाइम का कॉलम है, उसमें स्टेट टाइम के कॉलम में जम्मू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर से, लॉ डिपार्टमेंट के, क्योंकि मैं खुद एक लॉ डिपार्टमेंट से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, मैं पास आउट हूं वहां से, तो ये स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं इसमें कि उनको बहुत ज्यादा जम्मू यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से हरास किया जा रहा है। और उसकी हरास करने की वजह यह है कि यूजीसी की गाइडलाइंस ये कहती है कि जब भी कोई भी स्कॉलर इनरोल्ड होता है लास्ट पीएचडी के लिए, तो विद इन वन ईयर यूजीसी की गाइडलाइंस ये कहती है कि उसको जो है इनरोल किया जाए। लेकिन यहां पर 2017 में ये क्लियरली आप देख सकते हैं, 2017 में स्टूडेंट्स ने कहा कि हम इनरोल्ड हुए, 2020 आ चुकी है, अभी हमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा मैं उन्हीं की परफॉर्मेंस पे अब सवाल उठाऊंगा। ये पिल जो लगाई है ये जम्मू एजुकेशन सोसाइटी ने लगाई है, और लगाई है किसकी, जम्मू यूनिवर्सिटी के जो लॉ डिपार्टमेंट के हेड हैं प्रोफेसर कुलवंत सिंह साहब के खिलाफ। और उसमें ये कहा गया है कि जो प्रोफेसर कुलवंत सिंह साहब हैं उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के चार्जेस हैं। देखिए उनके ऊपर पहला चार्ज है ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इन हरासमेंट, जो एक ये केस ऑलरेडी चल रहा है। दूसरा ये पिल में ये कहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ दूं, ये जो पिटिशनर ये मांग कर रहा है।